नमस्कार, ये जायफल है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मसालों में किया जाता है, मगर इसके अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करता है। इसीलिए आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे जायफल के नाम से भी जाना जाता है। जायफल का तेल भी निकाला जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसकी मात्रा होती है 500 mg से लेके 1 ग्राम तक। मान के चलिए 2 चुटकी से 4 चुटकी तक इसकी मात्रा सुबह, इसी तरह 2 चुटकी से 4 चुटकी तक शाम को ली जाती है। इसका जो तेल होता है उसका अगर खाने में इस्तेमाल किया जाता है तो 1 से 3 बूंद तक आप सुबह, 1 से 3 बूंद तक शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर बीमारियों में भोजन के बाद सुबह शाम बताया जाता है, मगर कुछ बीमारियों में खाना खाने से पहले व दिन में 3 बार भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? कई तरीकों से इसको इस्तेमाल किया जाता है। माँ के दूध में इसको घिस के बच्चे को दिया जाता है, या मान लीजिए सिंपल पानी में आप इसको घिस के भी दे सकते हैं, शहद में घिस के भी दे सकते हैं। ये तो घिस के देने और खिलाने वाली बात हो गई। इसके बाद पाउडर 1 चुटकी आप दूध में मिला के, शहद में मिला के, या अन्य औषधियों के पाउडर के साथ, काढ़े के साथ, या सिरप में मिला के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काढ़े के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिम के रूप में जो रात को भिगो के छोड़ दिया जाता है, सुबह उसका छान के पानी पिया जाता है, उसके रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर उचित मात्रा में लें तो कभी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर अनुचित मात्रा में, जरूर से ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो ये जरूर गर्मी कर जाता है और इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसको लेने से कोई आदत नहीं पड़ती है, जो होता है ना कि एक दवाई की आदत पड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसको लेने से कभी आदत नहीं पड़ती है। इसको कितने समय लेना चाहिए कि हमारी बीमारी खत्म हो जाए? हर बीमारी क्या ये होता है कि वो कितने स्टेज पे पहुंच गई है, क्यों, कितनी पुरानी है, कितने स्टेज पे पहुंच गई है, उसके अनुसार उसका समय तय किया जाता है कि जी आपने इतने समय इस औषधि का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी बीमारी 1 साल पुरानी है तो 1 महीने तक इसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपकी बीमारी 3 से 4 साल या 6 साल पुरानी है तो 1 से 3 महीने लगातार इसका इस्तेमाल करने से आपकी बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जिन लोगों को हमेशा नींद नहीं आती, नींद की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, सिर की नसों में खुश्की आ जाती है, जो इनके अंदर रसायन होते हैं जिसे केमिकल कहा जाता है, उनमें इनबैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाने के कारण अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। ज़्यादातर मामलों में यही देखा जाता है, और कुछ मामलों में देखा जाता है कि चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, इसके कारण भी अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। और मानसिक रोग में भी देखा जाता है कि अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। किसी भी कारण से अगर आपको अनिद्रा, नींद नहीं आने की बीमारी है और गोली के बिना तो आपको नींद नहीं आती है, तो आपको कहना चाहूँगा कि 1 गिलास गाय के गर्म दूध में 2 से 4 चुटकी जायफल का पाउडर आप डाल के शाम को सोने से 2 घंटे पहले रोजाना लेना शुरू कर दीजिए। इसको लेने से आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी, सिर की नसों में खुश्की भी खत्म हो जाएगी, और जो दिमाग में बनने वाले रसायन है वो संतुलित मात्रा में बनेंगे और आप पूर्ण रूप से मानसिक रोग से छुटकारा पालेंगे। जिन पुरुषों में या स्त्रियों में काम इच्छा की कमी है, उनका मन जो है संभोगी क्रिया में नहीं करता है, उन पुरुषों या महिलाओं को कहना चाहूँगा, जायफल का पाउडर 2 से 4 चुटकी गाय के गर्म दूध में सोने से 2 घंटा पहले रोजाना लेना शुरू करेंगे तो काम उत्तेजना की वृद्धि हो जाएगी और संभोगी क्रिया में आपका मन और रुचि बढ़ेगी। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक ढंग से काम नहीं करता, पेट हमेशा बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, गैस बहुत बनती है, पेट में भारीपन हमेशा बना रहता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा 2 से 4 चुटकी गुनगुने पानी के साथ भोजन के बाद दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही समय में आपका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपको कभी पाचन से संबंधित किसी प्रकार का विकार तंग नहीं करेगा। जो लोग दांत में कीड़े से, दांत में दर्द से, मसूड़ों में से मवाद, मसूड़ों में से खून और मुंह से बदबू आने से परेशान है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि 50 ग्राम जायफल, 50 ग्राम लौंग,
50 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम सेंधा नमक, इन सभी को पीस के पाउडर बना लें। सुबह शाम मंजन करने से पहली बार से ही आपको सभी चीज जो आपको तकलीफें हैं सभी तकलीफों में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। दांत के कीड़े भी खत्म हो जाएंगे, मसूड़ों से मवाद या गंदा खून नहीं आएगा, मुंह से बदबू नहीं आएगी और दांत का दर्द भी दूर हो जाएगा और मुंह से संबंधित सभी प्रकार के विकार भी आपसे दूर ही रहेंगे। जो लोग भूलने की बीमारी से परेशान है, कुछ भी काम कुछ भी बातें भूल जाते हैं, कुछ पढ़ाई याद नहीं रहती, ख़ास तौर पर डिमेंशिया, अल्जाइमर्स रोग या मान लीजिए जिनको मंद बुद्धि कहा जाता है, ऐसे लोग अगर 2 से 4 चुटकी गाय के गर्म दूध के साथ जायफल का पाउडर इस्तेमाल करेंगे दिन में 2 बार खाना खाने के आधे घंटे बाद, तो उनके दिमाग की शक्ति बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, याददाश्त शक्ति बढ़ती चली जाएगी और डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसे रोग भी उनसे दूर होते चले जाएंगे। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है और शाम के समय उनको कम दिखता है या नहीं दिखता, उन लोगों को कहना चाहूँगा जायफल 50 ग्राम, त्रिफला 50 ग्राम लेके, त्रिफला में हरड़ बेहड़ा आंवला होता है, 50-50 ग्राम ये और 50 ग्राम जायफल, मतलब ये चारों चीज़ें लेके पीस के पाउडर बना लें। इस पाउडर को 2 भागों में बांट दें, एक तो आँख को धोने के लिए और एक खाने के लिए। तो खाने वाला तरीका बताया तो आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को खाना खाने से पहले गुनगुने दूध के साथ, वो भी गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें दिन में 2 बार। इससे आँखों की रोशनी और आँखों से संबंधित विकार दूर होते हैं। अब आँखों को धोने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है मैं ये बताया तो आपको, 1/4 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में रात को ढक के छोड़ दें, सुबह उठ के उस पानी को छान ले, उससे आँखों को अच्छे से छींटे मार के धोएं। इसको धोने से आँखों की रोशनी बढ़ती चली जाती है। आँखों में अगर आपको तरह तरह के विकार है, एलर्जी है, सूजन है, इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, इन्फेक्शन के कारण जो अंजन नाड़ी बोलते हैं वो बार बार हो जाती है, तो उन रोगों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जिन लोगों के बार बार गले में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाती है या खराश हो जाती है, बार बार करना पड़ता है, या मान लीजिए कोई गायक है उनके वोकल कॉर्ड में सूजन हो जाती है, उनका आवाज़ बैठ जाता है, बड़े परेशान होते हैं, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि जायफल का पाउडर बना के रख लीजिए। 2 से 4 चुटकी पाउडर 1 कप पानी में डाल के उसे अच्छे से उबालिए। जब उबल उबल के पानी आधा कप रह जाए, उसे नीचे उतार के छान के उसमें 1 चम्मच शहद मिला के उसे गरारे करके पीजिए। उसको पीने से क्या होगा कि आपके गला के अंदर जो सेंसिटिविटी है वो हमेशा के लिए चली जाएगी, गले में इन्फेक्शन सूजन की शिकायत नहीं होगी। और अगर आप मान लीजिए बार बार गला बैठने से परेशान है, तो आपके वोकल कॉर्ड में सूजन इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आपका स्वर जो है वो भी अच्छा हो जाएगा और मधुर हो जाएगा। जिन लोगों के सिर में अक्सर दर्द रहता है, कुछ कपड़ा या कुछ बांध के सोते हैं, या मान लीजिए बांध के सारा दिन उनको व्यतीत करना पड़ता है और ऐसे आँख बंद करके रखना पसंद करते हैं, भी उनसे कोई बोले नहीं, उस टाइम उनको बहुत झुंझलाहट महसूस होती है, कोई तेज़ रोशनी, तेज़ आवाज़, तेज़ गंध उनको अच्छी नहीं लगती। माइग्रेन में भी ऐसा होता है, अन्य सिर के दर्द में भी होता है। सिर का दर्द हमेशा सभी को तंग करता है, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हर किसी को तंग करता है। तो जायफल का पाउडर लेके पानी में पेस्ट बना के उसका लेप करने से, जैसे चंदन का लेप करते वैसे माथे पर लेप करने से सिर दर्द में बहुत अच्छा आराम मिलता है। या दूसरा तरीका बता देता हूँ, जायफल का पाउडर 10 ग्राम 40 ml तिल के तेल में अच्छे से पका लें। जब वो अच्छे से पक जाए, उसे नीचे उतार के और उसे छान के किसी ड्रॉपर में डाल के रख लें, 3 बूंद नाक में डाल के खींचें, 3 बूंद इसमें डाल के खींचें। ऐसा करने से भी सिर दर्द में बहुत अच्छा आराम मिलता है और उसी टाइम जो हम पेन किलर खाते हैं ना, तो 10 मिनट या आधे घंटे बाद असर करती है, मगर ये नस्य कर्म करने से उसी टाइम आराम मिल जाता है और सिर दर्द में बहुत अच्छा आराम मिलता है और हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाता है। अब इसे खाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सिर दर्द में, वो भी बता देता हूँ। 2 से 4 चुटकी गाय के गर्म दूध में
सुबह शाम भोजन के 1 घंटे बाद दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें और लगातार कुछ समय इस्तेमाल करें। अगर आपकी बीमारी पुरानी है तो 3 से 4 महीने इसका इस्तेमाल करें, जिससे आपका सिर दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको डर लगता है कि जायफल दें या ना दें, मैं कहूंगा उनको दीजिए, क्योंकि ये जायफल में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। जब डिलीवरी के बाद बच्चा होता है तो हष्ट पुष्ट और स्वस्थ पैदा होता है, और ज़्यादातर केसों में कहा जाता है कि बिना ऑपरेशन के ही बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होता है। अब कैसे इसका इस्तेमाल करें? रोजाना 1 दिन में 1 बार सुबह या दोपहर को जब मन करे अनार का 1 गिलास जूस, उसके अंदर 200 से 300 ml के करीब जूस होना चाहिए। उसमें आप क्या करेंगे, बर्फ़ मत डलवाना, उसमें एक चुटकी जायफल का पाउडर डाल के और स्वाद अनुसार सेंधा नमक उसमें मिला के आप रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। और जब डिलीवरी होगी तो बच्चा बिल्कुल हष्ट पुष्ट होगा, माता भी बिल्कुल हष्ट पुष्ट होगी। जिन लोगों को बार बार पिंपल्स निकलते रहते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ झाइयाँ तंग करती है या अन्य दाग तंग करते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा काले चने 50 ग्राम, जायफल 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, सफ़ेद चंदन का पाउडर 50 ग्राम, इन सभी को लेके पीस के पाउडर बना ले। चंदन का पाउडर पहले से ही पाउडर है, उसको मिला के अच्छे से एक फेस पैक आपके पास तैयार हो गया और स्क्रब तैयार हो गया। आप कैसे इस्तेमाल करना है मैं बता देता हूँ। एलोवेरा इसका जो पाउडर बना के रखा है आपने, 1 कटोरी में 1 चम्मच या अपने चेहरे के अनुसार 1 कटोरी में डालें। अब उसमें एलोवेरा का रस या दूध, दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूरत अनुसार, या गुलाब जल भी आप मिला सकते हैं, तीनों चीज़ में से कोई एक चीज़ आप ज़रूरत अनुसार मिला के पेस्ट बना लें, चेहरे पे लगा के 30 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद ताज़ा पानी या हल्का गुनगुना पानी लेके अच्छे से ऐसे गीला कर दिया और उसके बाद उसको स्क्रब करके अच्छे से उतार लें। उससे चेहरे पे जमा मैल भी, धूल मिट्टी कण जो है वो सारे के सारे उतर जाएंगे, साथ में पिंपल्स होना भी बंद हो जाएगा, झुर्रियाँ झाइयों के निशान भी और अन्य दाग या गड्ढे वगैरह भी धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे। ऐसा हफ्ते में सिर्फ 3 बार आपने इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल 3 महीने तक लगातार करना है। अगर किसी को लगे कि नहीं मैं 1 ही महीने में ठीक हो गई हूँ या ठीक हो गया हूँ, तो वो क्या कर सकता है, हफ्ते में 1 बार भी इस फेस पैक को, स्क्रब भी कह सकते हैं, फेस पैक भी कह सकते हैं, फेस पैक प्लस स्क्रब का इस्तेमाल कर सकता है वैसे अपने आप चेहरे को स्वस्थ रखने के लिए। अगर मान लीजिए हफ्ते में 2 बार करना चाहे तो और अच्छी बात है। कुछ महिलाओं को क्या होता है कि उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो दूध पीना सतनों से बंद नहीं करते, और महिलाएं चाहती हैं कि अब मैं बच्चे को दूध छुड़वा लूं, या कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि दूध स्त्राव होता रहता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी दूध स्त्राव होता रहता है, और उसी प्रकार उसी दौरान कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उस समय मासिक धर्म नहीं आता है, मासिक धर्म बंद हुआ रहता है। तो तीनों प्रकार की महिलाओं को कहूँगा कि आप जायफल 50 ग्राम, 50 ग्राम रसौत लेके दोनों को पीस के पाउडर बना लें, उसका 1/2 से 1 चम्मच पाउडर 1 कटोरी में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाएं और सतनों पे लेप कर दें। इसको करने से अगर लेप करे हुए पे बच्चे को आप पिलाएंगे दूध तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा उसको, लेकिन उसका अगर मुंह में चला जाएगा तो खून ज़रूर साफ़ हो जाएगा और दूध पीना छोड़ देगा। दूसरी स्थिति में क्या होगा कि सतनों में दूध बनना बंद हो जाएगा और वो प्राकृतिक रूप से सतनों में दूध बनेगा ही नहीं और बाहर स्त्राव होना भी बंद हो जाएगा, वही फिर धीरे धीरे हार्मोन्स संतुलित मात्रा में बनेगा जिससे कि मासिक धर्म आपको खुल के आने लग जाएगा। इस जायफल के मैंने आपको इतने सारे फायदे बताए तो इसके कुछ नुकसान भी बता देता हूँ। इसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में कभी इस्तेमाल मत करें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो पेट में गर्मी बढ़ेगी, घबराहट बेचैनी बढ़ेगी, शरीर पे खारिश खुजली बढ़ेगी और दस्त की शिकायत आपको तंग कर सकती है। कई बार ज़्यादातर पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को जायफल सूट नहीं करता, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा या तो आप आंवले के पाउडर में या बेल के पाउडर में या गुलकंद के पाउडर में एक बारी लेके देखें, अगर आपको सूट कर जाए, क्योंकि ये
पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों जब इसके साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको सूट कर जाता है, मगर उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सूट नहीं करता। तो जैसे ही अगर आपको ये बताए हैं मैंने कि ये कमियां पेट में दर्द वगैरह या दस्त वगैरह या पेट में गैस वगैरह जलन वगैरह और पेट में भारीपन और शरीर पे खारिश वगैरह दिक्कत तंग करे तो आप जायफल का इस्तेमाल मत करें। अगर आपको सूट कर जाए तो इसका इस्तेमाल करें और लाभ उठाएं। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।